चैनल, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, अपने घर जा रही हूँ। और रोजेस भी रेडी हो गया है। अपने घर जाने की अलग ही बात होती है ना, खुशी अलग ही होती है। देखो हम निकल चुके हैं अपने घर से अब, और रोजेस बातें कर रहा है कि खुश है, हैप्पी हैप्पी, क्योंकि वो नानू के जा रहा है। अलग ही खुशी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रही हूँ अपने घर और आपके साथ शेयर करूँगी। देखो मौसम भी कितना अच्छा हो रहा है ना, बादल कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ मौसम ठीक है, बट वहाँ जा कर के देखते हैं कैसा मौसम मिलता है। तो यहाँ से माउंट का रास्ता स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर चेकिंग होती है। ये हो गया माउंट का रास्ता हमारा स्टार्ट। यहाँ पूरा जंगल है, बट बहुत अच्छा लगता है व्यू ना। ये देखिए, मैंने यहीं की वीडियो शेयर करी थी आपके साथ। ये देखो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी, मतलब रास्ता बहुत अच्छा है। बट यहाँ से ना अभी तो थोड़ा सा ठीक है, आगे जाके यहाँ पर काफ़ी मोड़ आते हैं और बड़े सेफ्टी से यहाँ पर गाड़ी चलानी पड़ती है। आर्मी के टैंकर्स भी खड़े थे यहाँ पर ना गाड़ियाँ। ये देखो कितना प्यारा व्यू है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर ना ग्रीनरी। और यहाँ पर ना बहुत लोग जब आते हैं पिक विक खिंचवाते रहते हैं आते हुए रास्ते में ना। तो ये नई टर्नल है, यहाँ पर अभी बनी थी और मतलब बड़ी अच्छी है। ये नई बनी है, वो पुराने वाली दूसरी है। और अंदर से देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, लाइटिंग वगैरह। पहले दोनों साइड लाइट्स थी, अभी एक साइड ही चल रही है, एक साइड की बंद है। बट अच्छे अंदर से बड़ा अच्छा बनाया है, साफ सुथरा है बिल्कुल। बहुत टाइम लगा था इसको भी बनने में, बट ये है कि अब थोड़ा सा रश कम हो गया इसकी वजह से कम। ये दूसरा रास्ता डाट मंदिर पे जाता है और अभी ये वाला सीधा रास्ता है। यहाँ काफ़ी मोड़ आते हैं तो बड़े सेफ्टी के साथ गाड़ी को चलाना पड़ता है। बस वैसे तो कुछ नहीं है, बस ये है कि अपनी साइड का ध्यान रखना चाहिए जब भी ड्राइव करते हैं। बस अपनी साइड पर दबा के चलाएं गाड़ी को, और बीच में बिल्कुल नहीं। और क्योंकि जो पहाड़ी रास्ता होता है उसमें काफ़ी रिस्की होता है। ये देखो कितना प्यारा व्यू है पूरा, मतलब बड़ा सुंदर है। तो हमने माउंट क्रॉस कर दिया है, अब हम सिटी पर आ गए। ये हाईवे है, नया हाईवे बना था तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब जब से ये हाईवे बना है कम से कम बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं, टाइम नहीं लगता है। और ये कनेक्ट करता है इधर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और इधर मतलब दिल्ली भी जाते हैं तो इधर से ही मतलब। तो ये हाईवे बहुत मतलब सही है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अब ट्रैफिक नहीं होता। पहले बहुत ज़्यादा रोड भी ख़राब थी, ट्रैफिक रहता था। बट जब से हाईवे बना है तो एक तो हाईवे बड़ा मस्त बना है, देखो रोड भी कितनी चौड़ी है। अब हमने सहारनपुर में एंट्री कर दी है। ये रिमोन डिपो है यहाँ पर, पहले मेरे पास एनसीसी थी जब हम आते थे यहाँ पर। रिमोन डिपो हमें यहाँ पे घोड़े देखते थे, हम यहाँ पर बहुत मिलते हैं यहाँ पे घोड़े ना, देखते रहते थे हम। बचपन की बातें अलग होती हैं, याद आता है। ये क्लार्क इंटरनेशनल होटल है यहाँ पर। और ये यहाँ पर चौक आ जाएगा, ये वाला रास्ता जो जा रहा है ये हॉस्पिटल पड़ता है यहाँ पर उसका है। ये पुल आ गया बिल्कुल उसी के सामने जस्ट। यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक, हद से ज़्यादा। पहले इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता था, बट अब तो बहुत ज़्यादा होने लगा। और ये है यहाँ पर विश्वकर्मा चौक।
इधर की साइड अगर जाएंगे तो फिर ये आपको मेरठ का रास्ता पड़ता है इधर से देवबंद, मतलब दो तीन रास्ते इसी साइड से निकल जाते हैं और हम सीधे जा रहे हैं। और अब इधर से हम जहाँ से ये टर्न ले रहे हैं चौक आया, ये हकीकत नगर है, यहाँ पर हकीकत नगर का रास्ता है, ये पूरा मार्केट है मेन। जब अपने शहर में आते हैं तो अपनी ना पुरानी यादें याद आती हैं, हम यहाँ जाते थे, हम यहाँ ऐसे, है ना, होता ही है। ये देखो यहाँ पर पुलिस लाइन है, यहाँ हम बहुत घूमते थे, कॉलेज भी पढ़ता था। और ये कचहरी है यहाँ पर, कोर्ट, ये वाली बड़ी कचहरी बोलते थे इसको। ये दिल्ली रोड है, कोर्ट रोड, दिल्ली रोड साइड जाता है। ये हसनपुर चुंगी है और देखो कितना अच्छा डेवलप हो गया है यहाँ पर, मेरा सहारनपुर देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है, है ना। तो हम आ गए हैं अपने शहर में। ये ITC रोड है यहाँ पर, तो मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। हमारा नीचे तो इंस्टीट्यूट है और सबसे ऊपर हमारा, हमने रेजिडेंशियल बनाया हुआ है ऊपर रहने का है। तो बहुत खुशी होती है अपने घर जाके ना। ये देखो तो हम यहाँ ना भैया के यहाँ गए थे, अगले दिन का है ये वीडियो। तो उनके यहाँ पे एक पैरट था, तो पैरट के साथ खेल में लगी हुई थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पैरट। और मिट्टू 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 बोलता है ना। देखो बोल रहा है। और पता, मुझे पता ही नहीं था सैटरडे संडे यहाँ पर लॉकडाउन है, और देखो पूरा मार्केट ऑफ है, सब बंद है। मैं घूमने निकली थी, मैंने कहा चलो हम कुछ ना कुछ ले लेंगे, मार्केट चलते हैं। शहीदगंज था ये, और ये इधर पंसारी मार्केट पड़ता है कक्कड़गंज साइड ना, इधर का है। देखो सारा बंद है, पूरा का पूरा सहारनपुर की मार्केट बंद है, मेन मार्केट सब बंद है। तो ये हमारे घर के बिल्कुल सामने ही बना हुआ है, ये हमारा ही पोर्शन है, इसमें गर्ल्स हॉस्टल है ये। तो हमारे यहाँ पर DDGKY की ट्रेनिंग चलती है। वो देखो टॉमी कहाँ सो रहा है, ये हमारा डॉगी है। तो ये सामने वाली बिल्डिंग हमारी हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दूसरी साइड है। ये देखो टॉमी ना, इसको कौवे को कर रहा था कि रोटी, मम्मी ने कहा कि टॉमी तेरी रोटी ना मैं उसको दे दूँगी और कौवा खा लेगा, तो पता ही कौवे को भगा रहा था भौंक भौंक के। तो ये नीचे, सबसे नीचे हमारा इंस्टीट्यूट है, मेन एंट्री यहाँ से ही है। तो ये स्टाफ रूम है इस साइड, ये बाहर सामने वॉशरूम था, और ये स्टाफ रूम है। ये साइड हमारा जो है रिसेप्शन है, और ये मेन एंट्री है सामने बिल्कुल फ्रंट। और ये ऑफिस है, तो हमारे यहाँ पर गांव के बच्चे जो होते हैं उनके लिए स्कीम है ये, तो गवर्नमेंट स्कीम है। तो जो स्टूडेंट्स मतलब गांव के हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके लिए है ये, जो सहारनपुर ज़िले में आते हैं, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है ट्रेनिंग। तो उनका रहना खाना सब फ्री है यहाँ पर। ये क्लासेस हैं,
ये रिटेल की उसकी क्लास है, थ्योरी क्लास ना रिटेल की, तो रिटेल का कोर्स करवाते हैं यहाँ पर। बाकी अभी तो लॉकडाउन की वजह से सब बंद है अभी, तो देखते हैं कब स्टार्ट होता है। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं बच्चे की, कब हम जाएं। होता है बायोमेट्रिक लगी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब फैसिलिटीज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को। ये रिसेप्शन है, रिसेप्शनिस्ट के लिए यहाँ पर बैठती है। मैं ऊपर जा रही हूँ, ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर पर लैब है, कंप्यूटर लैब और रिटेल की लैब, सामने वॉशरूम है। अभी तो खैर सब ऐसे ही हो रखा है क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर बच्चे नहीं आ रहे हैं, अभी बंद है क्योंकि गवर्नमेंट जब नोटिस दे भेजेगी कि ओपन करना है, जब हो पाएगा। ये लैब है, कंप्यूटर लैब, दो पोर्शन में है बट मैंने आपको इतना ही दिखाया अभी। तो अब हम निकल चुके हैं, ये अगले दिन का वीडियो है वापसी के लिए। अपने घर को जब घर से जाते हैं ना, बड़ा दुख सा होता है, बट वो ये ना कि अगर हम भी दुख हो जाएंगे, हम भी परेशान रहेंगे, तो फिर हमारे मम्मी पापा को भी दुख होता है ना, तो इसलिए। ये है हमारा फ्रंट का घर है हमारा, ये गर्ल्स हॉस्टल का मेन गेट, और हम अब निकल चुके हैं वापसी के लिए। और ये देखो हमारे निकलते ही ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, मैं तो बोल रही थी कि दो दिन से तो इतनी गर्मी हो रही है और जैसे ही हम यहाँ से निकले हैं और एकदम से बारिश हो गई स्टार्ट। अब देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पर, और वहाँ पर गर्मी इतनी हो रखी थी बहुत ज़्यादा, हमें नहीं पता था इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, क्योंकि 4-5 दिन से वहाँ पर बारिश ही नहीं हुई है। ओजस और मैं हम दोनों बैठ के मस्ती कर रहे थे, देख रहे थे बारिश हो रही थी, क्योंकि अच्छा लगता है मजे करते हुए आते हैं गाने सुनते हुए। तो बिहारीगढ़ से हमने पकौड़े लिए हैं, बिहारीगढ़ के यहाँ फेमस हैं, और बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म पकौड़े हैं, आप भी मज़े लीजिए। ऐसी बारिश में पकौड़े खाने में तो बात ही अलग है, टेस्ट अलग ही आता है ना। ये लीजिए आप भी खाइए। तो मुझे लगा कि चलो मैं घर जा रही हूँ, वहाँ से आते हुए और जाने का भी मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर दूँ। आप लोग भी अब मेरी फैमिली हैं, तो आप सबको भी अब शेयर करना बनता है। ये देखो मौंड का रास्ता, ये ऐसे ऐसे राउंड राउंड रहता है यहाँ पर ना। तो हम आते हुए डाट काली मंदिर होके आए हैं। यहाँ पर पहले ऐसे होता था कि स्टार्टिंग में जो भी, और अब भी होता है मतलब कि जो भी बस यहाँ से निकलती है ISBT से कहीं के लिए भी निकलती है 4 बजे के करीब, 4-5 बजे सुबह, तो सबसे पहले डाट काली मंदिर में आ करके मतलब माता रानी के दर्शन करके जब निकलती हैं यहाँ से सबसे पहली बस। और हम लोगों का भी मतलब पूरे देहरादून में उत्तराखंड में उधर ऐसे ही है कि मतलब जो उधर से जैसे व्हीकल कुछ भी लेते हैं, कार हो गई या कुछ भी, तो सबसे पहले हम माता रानी के पास यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे पूजा वूजा करवाते हैं। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर मंदिर में, अंदर तो देखो अलाउड नहीं था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ये पुराने वाली वो है टनल सुरंग, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो अब इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया है, बट ये ख़राब हो गई थी इसी वजह से दूसरी नई बनी थी। और यहाँ पर मंदिर है, आप लोग ज़रूर बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके। और प्लीज़ जो लोग नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
इसी टाइप से वीडियोज़ और DIYs और डेली व्लॉग रूटीन, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। बाहर जाते हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा ना मूड फ्रेश हो जाता है और कुछ नहीं। और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ कम से कम। तो हम देहरादून आईएस ब्यूटी पर पहुँच गए हैं, और प्लीज़ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, मेरे ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंटी।